Skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. वेलकम बैक टू दी चैनल. आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे. सो आज है नेक्स्ट डे. जो मेरे पहले वीडियो का आप देख रहे होंगे, आपको पता ही होगा कि हम लोग आए हैं स्मोकी माउंटेन. सो आज हमारा स्टॉप जो है वर्जीनिया में है. हम लोग अभी वर्जीनिया के इस वाले होटल में हम लोग रुके हुए थे. तो अभी जस्ट हम लोगों ने चेकआउट किया है और हम लोग जा रहे हैं स्मोकी माउंटेन की तरफ. तो आपको दिख ही रहा होगा अभी से जो क्लाउड्स है दिख रहे होंगे और एक स्मोकीनेस दिख रहा होगा. और ये जो जगह है ना, पूरा हिल स्टेशन जैसा लग रहा है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है. तो अभी हम लोग फिर नेक्स्ट डे का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं. अभी फिल करेंगे यहाँ पे गैस, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट उतरेंगे स्मोकी माउंटेन में. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा. सो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. Recognize, I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no So hum logo ne journey start kar diya hai aur yahan se Virginia se jo Smoky Mountain hai wo around 246 mile pe hai. सो अगर आप लोग न्यू जर्सी से आते हो और डायरेक्ट स्मोकी अगर नहीं जाना, मतलब बहुत लंबा जर्नी लगता है, तो आप लोग यहाँ पे वर्जीनिया में स्टे कर सकते हो, उसके बाद स्मोकी जा सकते हो जैसे हम लोगों ने किया. सो यहाँ से 249 माइल की है और अभी से सीनिक ड्राइव जो है स्टार्ट हो गया है. सो इधर का रास्ता भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, लाइक अभी 211 माइल स्ट्रेट में ही जाना है. तो काफ़ी एक्साइटेड है, होप करती हूँ कि अच्छा रहेगा आप लोगों को. और वेदर जैसे कि हम लोगों ने सोचा था बहुत क्लाउडी रहेगा, तो वेदर धीरे धीरे खुल रहा है. बहुत अच्छा सीनिक ड्राइव स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ऑलरेडी सीनिक ड्राइव स्टार्ट हो रहा है. तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा. सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा. और ये लोग कम्फर्टेबली बैठ गए हैं. एज यूजल मैं फ्रंट सीट पर हूँ और ये लोग यहाँ पे बैक सीट में बैठे हुए हैं. सो चलिए फिर. बच्चों के साथ समझ ही सकते हो, इतनी दूर तक ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा थकान हो जाता है. तो ठीक, मैकडॉनल्ड्स के सामने हम लोग खड़े हैं, हमारा फेवरेट मैकडॉनल्ड्स. सो थोड़ा सा रेस्ट लिए, थोड़ा सा यहाँ पे वॉशरूम भी अटैच रहता है, थोड़ा सा वॉशरूम से भी आ गई, सैनिटाइज किया और थोड़ा सा कुछ खाएँगे. उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर जो अट्रैक्शन है, ग्लेटनबर्ग बोल के एक जगह है, वहाँ पर पहले जाएँगे. तो यहाँ पे वेदर भी ठीक ही है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, ज़्यादा गर्मी नहीं है. तो बस वहीं पे जाएंगे और काफ़ी मज़ा आ रहा है. वो तो यहाँ पे है अनिरुद्ध और अनिरुद्ध एक्साइटेड है. तो वो थोड़ा सा ले रहा है कुछ स्नैक्स. और कल वो क्या हुआ ना, हम लोग वो एक पैक करके रखा था कार का बॉक्स प्लास्टिक में, जिप लॉक में, बट जो जिप लॉक है वो भूल गया. और मेरे को आधे रास्ते में याद दिला, मम्मी आपने लिया क्या? तो मैं तो भूल ही गई थी लेना. तो यहाँ पे उसके पापा बोले वॉलमार्ट के सामने रुकते हैं, एक एक कार उठाओ और चलो, क्योंकि ये लोग भी बोर हो जाते हैं ना गाड़ी में, क्या करेंगे इतनी लॉन्ग जर्नी. फिर भी ये लोग दोनों हैं तो थोड़ा थोड़ा बात कर करके टाइम पास हो जाता है. सो अभी वो लोग ले रहे हैं बर्गर. सो उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे. This is my car. This is a fake car. This is not a real car.
दिस इज अनिरुद्ध कार राइट दिस इज रियल कार दिस इज अनिरुद्ध कार ग्लेटनबर्ग पहुंच गए हैं और हम लोग स्काई लाइन के लिए जा रहे हैं. सो ये जो जगह है ना, छोटा सा जगह है, बहुत अच्छा जगह है. बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं, लग ही नहीं रहा है कि कोविड का कुछ सीन है. और मैक्सिमम लोग मास्क लेस है क्योंकि CDC ने अभी रूल निकाला है, जो वैक्सीनेटेड पीपल है वो अभी विदाउट मास्क रह सकते हैं. बट हम लोगों ने मास्क ले लिया है. मास्क पहनना ज़रूरी है, जो भी है, डर तो है. और बस अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है. होप करती हूँ कि आप भी मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं. जो दिख रहा है अनिरुद्ध और अभी उसके डैडी बैठे हुए हैं. और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ऊंचा जाना है ना. बट बहुत एक्साइटिंग लग रहा है. फाइनली हम लोग टॉप ऑफ द माउंटेन आ गए हैं. और अगर आप ग्लेटनबर्ग आते हो तो ये जो स्काई लिफ्ट है वो ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी जगह है. तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है जिसमें आपको एक छोर से दूसरे छोर में आपको क्रॉस करना है. तो हम लोग उस ब्रिज में जाएंगे और वो जो ब्रिज है ना वो बहुत
बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा अट्रैक्शन का है, क्योंकि इसके मेन में, इसके बीच में, इन द मिडल ऑफ द ब्रिज यहाँ पे एक पूरा ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है जिसको आपको क्रॉस करके जाना है और आपको नीचे का जो गहराई है पूरा दिखेगा। तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है टॉप ऑफ द माउंटेन चढ़ के। तो हम लोग बस ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, और ब्रिज में जाने के लिए भी आपको, जब आप वो जो टिकट कटवाते हो ना स्काई लिफ्ट पार्क में, तो आपको ये जो ब्रिज में चढ़ने का भी वो उसमें अवेलेबल रहता है, तो दोनों का ही प्राइस उसमें इंक्लूडेड रहता है। और हमारा ये अराउंड एडल्ट के लिए $30 लगा था। तो बस हम लोग अभी जा रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मुझे हाइट से थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं जब चल रही थी फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो आप देखिए कि मैं क्या क्रॉस कर पाती हूँ कि नहीं, तो ये ज़रूर देखिएगा। Skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. सकते हो कि अमेरिका पूरा मास्कलेस हो चुका है। यहाँ पे CDC ने रूल लगाया है कि जो भी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिनका सेकेंड डोज भी कंप्लीट हो चुका है, तो उसके 2 वीक्स के बाद आप विदाउट मास्क में कहीं पे जा सकते हो। इवन आप ग्रॉसरी स्टोर में भी विदाउट मास्क जा सकते हो। तो उज्ज्वल ने बोला कि अब तुम भी मास्क थोड़ा सा खोल दो, क्योंकि ये जो जगह है बहुत सुकून वाला जगह है, तो थोड़ा सा डर को छोड़ के इंजॉय करो। तो हम लोगों ने भी मास्क अभी खोल दिया है और जस्ट इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत बहुत सुंदर जगह है, बिल्कुल नेचर बोलते हैं ना, नेचुरल जो चीज़ होती है बहुत मन को भाती है, तो बिल्कुल वैसी वाली ही जगह है।
और बहुत बहुत सुकून मिलती है इन सब जगहों को देख के। लगता है कि जो भी गम है, जो भी प्रॉब्लम है, हम लोग इसके पीछे भूल जा रहे हैं। तो बस बहुत सुंदर जगह है। तो अगर आप स्मोकी माउंटेन आते हो तो ज़रूर इस जगह पे आओ, ग्लेटनबर्ग में आओ, और स्काई ब्रिज है इस जगह पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे इसके अंदर में एक शॉप भी बना हुआ है जिसमें आप जो मैग्नेट्स है ये सब अपनी मेमोरी के लिए आप रख सकते हो। मैंने भी कुछ चीज़ें ली है जो कि मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। और मैंने अपने डर को ख़त्म करके वो ब्रिज को पार किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुई। और इसी तरीके से मुझे भी सीख मिली कि अगर आपके मन में डर है तो ज़रूर डर को ख़त्म कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो है आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रिप है 3 to 4 days का ट्रिप है। तो ये जो सेकंड पार्ट है आज एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। बाय बाय।